आप सभी का मेरी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, शास्त्रों के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए हरताल का तीज के दिन ही भगवान शिव शंकर जी का पूजन किया था। इसीलिए सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए, उनके अच्छे भविष्य के लिए इस दिन पूजा करती है और निर्जला व्रत रखती हैं। और कुमारी कन्याएं भी मनचाहा वर पाने के लिए माता पार्वती, शिव शंकर जी और गणेश जी का पूजन करती हैं। तो पूजा हमें कैसे करनी है, व्रत हमें कैसे रखनी है, तो आज की वीडियो इसी विषय पर है। तो देखिए फ्रेंड्स, हरताल का पूजा के दिन जहाँ पर भी आप पूजन करेंगे वहाँ पर एक चौकी लगा ले। चौकी पर आप लाल पीले रंग का या लाल पीले रंग का वस्त्र नहीं है तो आप हरे रंग का भी वस्त्र बिछा सकते हैं। और तीज की पूजा बड़ी पूजा होती है तो इसमें कलश की भी स्थापना किया जाता है। तो देखिए, कलश की स्थापना के लिए यहाँ पर हम आसन के लिए चावल रखेंगे। आप चाहें तो अस्त दल कम्बल भी बना सकते हैं। अब एक पीतल का आप लोटा ले ले या आप तांबे का भी लोटा ले सकते हैं। आप उस पर स्वास्तिक बना ले। उस लोटे को आप कर्ण तक जल भर ले। उसमें देखिए हमें क्या क्या रखनी है, 1 रुपये का सिक्का, 1 सुपारी, हल्दी, अक्षत और फूल। 5 या 7 हम आम के पत्ते ले लेंगे यहाँ पर देखिए। उसके बाद 1 कटोरी चावल आप इसके ऊपर रख दें। उसके बाद हम इसके ऊपर दीप प्रज्वलित करेंगे। तो दीप देखिए, इसमें जोरे बाती का दीपक जलाया जाता है। दीपक आप जो है ना थोड़ा सा बड़ा ही दीपक ले, क्योंकि दीपक रात भर जलनी चाहिए, इसलिए दीपक थोड़ा सा बड़ा ले और घी उसमें अच्छे से भर के रखे। दीपक प्रज्वलित करने के बाद देखिए, इसमें मिट्टी की मूर्ति की विशेष प्रधानता होती है। मिट्टी की मूर्ति बनाई जाती है, मिट्टी से गणेश जी, पार्वती जी और शंकर जी बनाए जाते हैं। लेकिन किसी कारणवश अगर आप मिट्टी की मूर्ति नहीं बना पाते हैं तो कोई बात नहीं, आप फोटो रख कर ही पूजा कर लें। उसके बाद देखिए, हम सभी को दूध से हाथ सेक करेंगे, गणेश जी को, माता पार्वती जी को और शंकर जी को। उसके बाद हम जल से सभी को स्नान कराएंगे। तो यहाँ पर देखिए, जल से हम गणेश जी को, माता पार्वती जी को और शंकर जी को स्नान कराएंगे। और फोटो को हम जल से स्नान नहीं करा सकते तो हम जल के छींटे देकर ही इनको स्नान करा देंगे। अब गणेश जी को देखिए, हम डोरी से तिलक करेंगे। माता पार्वती जी को हम डोरी से तिलक करेंगे और शंकर जी को हम चंदन से तिलक लगाएंगे। तो आप इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि माता पार्वती और गणेश जी को ही हमें डोरी के तिलक करने हैं, शंकर जी को हमें चंदन या भस्म से तिलक लगानी है। और उसके बाद गणेश जी को हल्दी भी अर्पित की जाती है। उन्हें हल्दी और कुमकुम अधिक प्रिय होता है तो हम यहाँ पे माता पार्वती को भी हल्दी के तिलक लगाएंगे और फोटो में यहाँ पे माता पार्वती, गणेश जी सभी को तिलक लगाएंगे, दीपक को भी तिलक लगा देंगे। अब गणेश जी को यहाँ पर अक्षत धूप हम चढ़ाएंगे। वस्त्र स्वरूप देखिए, यहाँ पर हम कलावा अर्पित करेंगे, एक जनेऊ आप अर्पित कर दे। उसके बाद आप इन्हें लाल फूल अर्पित करें। उसके बाद गौरी माता को हम वस्त्र स्वरूप लाल चुंदरी ओढ़ाएंगे। इसके बाद गौरी माता को भी हम लाल फूल अर्पित करेंगे। गौरी माता और गणेश जी दोनों को लाल फूल ही अर्पित किया जाता है। उसके बाद शंकर जी को हमें उनके ही पसंद का फल फूल हमें अर्पित करनी चाहिए। तो शंकर जी को सफ़ेद फूल अधिक प्रिय है। उनको भांग, धतूरा, धतूरा का फल, बेलपत्र, तो ये सारी चीज़ें उन्हें बहुत अधिक प्रिय है। तो उन्हें आप जरूर से उस दिन चढ़ाएं। और ख़ास तौर से जो कुमारी कन्याएं हैं और चाहती हैं कि उनको अपना मन वांछित वर मिले, तो उनको ख़ास तौर से जो है ना उनकी पसंद की चीज़ें जरूर से चढ़ानी चाहिए। और जब माता पार्वती हरताल का तीज का व्रत किया था उस समय वो जंगल में थी। जंगल में उनको जो भी फल फूल मिले थे उनको चढ़ाकर ही वो शिव जी की पूजन की थी। और उन्होंने निर्जला व्रत रखकर पूरी रात्रि 4 पहर पूजा कर बहुत कठोर तपस्या के बाद उन्होंने शिव जी को प्रसन्न किया था। उसके बाद शिव जी प्रसन्न होकर माता पार्वती जी को अपने पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। इसीलिए अगर आप शिव जी को प्रसन्न करना चाहती हैं तो आपको उनके पसंद की हर एक चीज़ उन्हें अर्पित करनी चाहिए। उसके बाद देखिए, हम यहाँ पर उनको जनेऊ अर्पित करेंगे, उनकी पसंदीदा। देखिए यहाँ पर आप अबरी और गुलाल उन्हें अर्पित कर सकते हैं। अगर अबरी गुलाल आपको आसानी से मिल जाती है तो आप जरूर से अर्पित करें, नहीं मिल पाती है तो कोई बात नहीं है, बिना अबरी के भी आप पूजन कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, यहाँ पर गौरी माता को उस दिन 16 सिंगार की सामान अर्पित की जाती है। और जो भी आप सामान उन्हें
अर्पित कर रहे हैं उन सभी सामानों में से आप गौरी माता को श्रृंगार कर दे। तो यहाँ पर देखिए हम गौरी माता को हाथों में मेहंदी लगा देंगे और वही मेहंदी हम अपने हाथों में भी लगा लेंगे। उसके बाद देखिए हम इनको नेल पॉलिश लगा देंगे। तो जो भी आप यहाँ पर श्रृंगार करना चाहें उनको अच्छे से आप श्रृंगार कर सकते हैं। उसके बाद सभी श्रृंगार की चीज़ें जो हैं हम यहीं पे बगल में रख देंगे। उसके बाद हम सभी को प्रेम पूर्वक धूप दिखाएंगे। गणेश जी को, माता पार्वती और शंकर जी सभी को हम धूप दिखाएंगे। अब माता पार्वती जी को भोग स्वरूप पानी वाली नारियल अर्पित की जाती है, तो हम नारियल अर्पित करेंगे। उसके बाद आप घर में जो भी मीठा पकवान बनाए हैं, पुआ पूरी, वो सभी यहाँ पर आप भोग स्वरूप अर्पित करें। भीगा हुआ चना यहाँ पर चढ़ाया जाता है, बताशा चढ़ा सकते हैं, फल अर्पित कर सकते हैं। फल में देखिए खीरा जरूर से चढ़ाया जाता है। कुछ जगह पर चना और खीरा खाने के बाद ही पारण किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए गौरी माता को सुहाग देना होता है, तो जो हमारी सिंदूरदानी होती है जिसमें से हम सिंदूर लगाते हैं उसी में से हम गौरी माता को सिंदूर लगाते हैं। तो इनको हम तीन बार सिंदूर लगाएंगे, इसे सुहाग देना कहते हैं। उसके बाद हमें कथा सुननी होती है। कथा सुनने के लिए देखिए हम अपने हाथों में कुछ फूल और चने ले लेंगे। उसके बाद हम हरितालिका तीज की कथा सुनेंगे। कथा सुनने के बाद ये चना हम फिर गौरी माता को चढ़ा देंगे। उसके बाद हम सभी को प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। फ्रेंड्स, ये पूजा आपको शाम के समय प्रदोष काल में करनी होती है। शाम के समय में ही आप चौकी लगा ले और पूजा करें। सुबह में आप जिस तरह से रोज पूजा करते हैं उसी तरह करेंगे, शाम के समय आपको चौकी लगाकर पूजा करना है। अब यहाँ पर देखिए हम यहाँ गौरी माता, शंकर जी सभी से प्रार्थना करेंगे कि हे गौरी माता, पूजा में अगर हमसे कोई भूल चूक हो जाए, हमसे कोई गलती हो जाए तो हमें क्षमा करना, और जो हमारी मनोकामना है आप उसे पूर्ण करना। हमारे घर परिवार सभी को आप सुखी रखना, हमारी सुहाग को सुखी रखना। उसके बाद ये चौकी हमें ऐसे ही रात भर रहने देनी है, और ये जो प्रसाद आप चढ़ाए हैं उस प्रसाद को आप घर के बाकी सदस्य में बांट दे, बाकी चौकी ऐसे ही रहेगी, दीपक जलती रहेगी, जल के लोटे भी यही रहेंगे। सुबह सूर्य उदय होने से पहले ही हमें नहा धोकर उसके बाद गौरी माता शंकर जी की पूजन करनी होती है, उसके बाद ही इस व्रत को संपन्न किया जाता है। फ्रेंड्स, हरितालिका तीज की पूजा हर सुहागन के लिए बहुत बड़ा पूजा होता है, और ये व्रत निर्जला रहकर किया जाता है, तो इसलिए ये व्रत बहुत ही कठिन भी होता है। तो फ्रेंड्स, हरितालिका तीज की पूजा में कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होगी उसकी वीडियो जो है ना मैं अलग से ही पहले ही लाइव कर चुकी हूँ कि हमें कौन कौन सी सामग्री की पूजा में आवश्यकता होगी। तो आप चाहें तो मेरे चैनल पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। पूजा की संपूर्ण विधि स्टेप बाय स्टेप की भी वीडियो मैं पहले से ही आप लोगों के लिए लाइव कर चुकी हूँ, आप उसे भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से हरितालिका तीज की पूजा किया जाता है, और उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो एक बार फिर से आप सभी को हरितालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं।